तो यार मैं अभी भी देख रहा था ना मेरी स्कूटी का आगे वाला टायर, देखो भाई साहब जिस दिन भाई दोनों भाई लमलेट होंगे, ये चेक करो आप क्या क्या ले जाया जा रहा है भाई कैंटीन से। गर्मी भी हो रही है यहाँ पे। किचन बॉक्स के अंदर इन्होंने ना कपड़े रख रखे, जैसे कि मम्मी ईशा और मेघादी के पास तो कार्ड था बट मेरे पास कार्ड नहीं था तो मेरा अंदर अलाउ नहीं किया गया। सो हे गाइस, कैसे आप लोग, हो पर आप लोग अच्छा अच्छा रहना। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा हम जा रहे थे एक दिन कैंटीन, बट उस दिन कैंटीन बंद थी, फिर हमारा बीच में काम पड़ गया था तो टाइम तो मिला नहीं कैंटीन जाने का, बट आज हमें टाइम मिला है। तो आज मेघा दी और मैं जा रहे हैं कैंटीन में, और हमारे साथ ईशा और उसकी मम्मी भी जाने वाली है। फिलहाल मुझे अभी नहाना भी है तो नहा धो के रेडी होते हैं। तो गाइज मैं नहा के रेडी हो गया हूँ, और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम पिछली बारी कैंटीन गए थे ना तो वहाँ दो हेलमेट की ज़रूरत होती है, मतलब सिंगल हेलमेट अलाउड नहीं है क्योंकि वो आर्मी एरिया ना। ये से मांग लेंगे नीचे, तो यार एक हेलमेट हम भैया से मांग लेंगे नीचे और एक दोस्त से मांग लेंगे, क्योंकि ईशा लोगों को भी दो हेलमेट चाहिए होंगे, हमको भी दो हेलमेट चाहिए होंगे, तो अरेंज करने पड़ेंगे कहीं से। भैया क्या कौन सा पर्स है, कौन सा स्टाइल है भैया? भाई मेरी बहन ना पता नहीं क्या करती रहती, मेरे जीजू का इसने इतना खर्चा करवा रहा है ना। जीजू का खर्चा नहीं करवा रहा तो किससे खर्चा करवा रहा है? तो गाइज हमने आर्मी कैंट एरिया में एंटर कर लिया है, और ना मैंने रास्ते में व्लॉगिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे ना ईशा की मम्मी के साथ व्लॉग करने में अजीब सा लग रहा था, और अभी मैं आर्मी कैंट एरिया के बाहर पे खड़ा हूँ क्योंकि मुझे अंदर एंट्री नहीं मिली। ईशा की मम्मी ईशा और मेघा दी के पास तो कार्ड था बट मेरे पास कार्ड नहीं था तो मेरा अंदर अलाउ नहीं किया गया, और मैं बस यहाँ बाहर पे बैठ रखा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बैठने की जगह थी ना, और यहाँ पे इन्होंने डोनेशन बॉक्स लगा रखा जो कि काफ़ी सही है। इस डोनेशन बॉक्स के अंदर इन्होंने ना कपड़े रख रखे साथ। तो गाइज ये चेक करो आप क्या क्या ले जाया जा रहा है भाई कैंटीन से। ऐसा चार बोतल है बंधन के मुटियारा बटोला बन के। मैं डालू ऊपर से? डालो तो ऊपर से टूटने वाला सामान तो नहीं है? मुझे मत कर रिकॉर्ड। दूसरी कैंटीन कितनी दूर है यहाँ से? थोड़ा सा इधर को थी है, मेरे को ढंग से पता नहीं, पूछते हुए चल लेंगे। यहाँ कोई डांटेगा तो नहीं ऐसे? गन्ना दे विच पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके। तो गाइस कैंटेरिया से आने के बाद अभी रुके हम गन्ने की शॉप पे, बहुत गर्मी हो रही है देहरादून में, तो हमने सोचा कुछ ठंडा पी लेते हैं, और अभी भैया निकाल रहे गन्ने का जूस। सोने आवे वे माई मेरा कितने नहीं हो दिल। तो यार जूस पी के अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है ना। तो गाइस हम कैंटीन से आ गए थे बट हमें सामान नहीं मिला वहाँ पे, तो अभी आ रहे हम धर्मपुर वाली शॉप पे, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे तो मिल ही जाएगा, बट कैंटीन में जो सामान लेने गए थे ना वो तो मिला नहीं, थोड़ा बहुत मिला। तो यार हम धर्मपुर वाली शॉप पे आ गए हैं, ये पड़ती है अपने मेन धर्मपुर के यहाँ पे, मतलब बहुत पास ही है ये। तो हम भी क्या क्या ले जाना है? दाल ही डाली मैं सारी, बस दाल ही डालना और सारा सामान तो ले गई तू, आटा वगैरह भी। और यार देहरादून की गर्मी क्या खतरनाक लग रही भाई, लोग कैसे चल रहे होंगे समझ नहीं आ रहा मेरे को, इतनी सड़ी गर्मी हो रही ना भाई क्या ही बोलूँ। ये गर्मी भी हो रही है यहाँ पे भयंकर, अजीब सी हो रही है ना भयंकर, उमस उमस टाइप की। कैसे लग रही तू कैमरे से? ज़्यादा सुंदर सुंदर लग रही, तेरा सारा मेकअप उड़ गया बस। मेकअप में करती हूं भाई दिख रहा है वो। तो यार मैं अभी भी देख रहा था ना मेरी स्कूटी का आगे वाला टायर, देखो भाई साहब खत्म ही हो रहा था बिल्कुल, और मुझे लग रहा है जिस दिन भाई दोनों भाई लमलेट होंगे मेघा दी और मैं, भाई चेंज करवाना पड़ेगा, इसकी सर्विस भी करवानी पड़ेगी कुछ टाइम बाद। कैसा रहा एक्सपीरियंस कैंटीन का, मज़ा नहीं आया? क्यों सामान नहीं मिला इसलिए मज़ा नहीं आया? तो यार हमने यहाँ से साबुन, ग्लूकोज का डिब्बा, मैगी, चीनी, दाल, जीरा और सरप, फेस वॉश, तो ये सारा सामान हमने डन करवा दिया क्योंकि कैंटीन में ये मिला नहीं, फिर हमें धर्मपुर शॉप पे आना पड़ा, वहाँ से भी हमारा डन हो चुका है, और अब हम सोच रहे कि घर पे कौन बनाएगा खाना, हमें कभी क्या बोलती है। तो अभी आ रहे हैं मजेपुर में, एक ढाबा ढूंढते हैं और वही थोड़ा राजमा चावल और बहुत खाते हैं, क्योंकि हम डेली डेली चाउमिन खा के पक गए यार, और पेट भाई हमने डेली डेली चाउमिन खाई और मुझे नहीं लगता मान ले मतलब हमारी हेल्थ के लिए चाउमिन सही होगी। तो फाइनली वाइज मैं आ गया हूँ घर पे, और यार मैं अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि मेरे साथ ईशा की मम्मी ईशा भी थे ना, तो मुझे मतलब मैं खुल के व्लॉग नहीं कर पा रहा था, मुझे ना उनके साथ टाइम स्पेंड भी करना था, तो मैंने सोचा व्लॉग तो मैं कभी और भी कर लूँगा। और अभी हमारे साथ एक सीन हुआ है, तो मेरी बहन सामान लेके तो आ गई बट ये एक चीज़ भूल गई वहाँ पे, आटा का कट्टा जोड़ रखा उसने ऐड कर रखा है। तो चल फटाफट फिर धर्मपुर चल, शूज उतार देता है क्योंकि भाई इस शूज ने इतना परेशान कर दिया, इतनी गर्मी हो रही है ना भाई साहब बाहर, मैं तो सोच रहा हूँ स्लीपर में चलता हूँ मस्त करके, शूज में मेरे से तो नहीं रहा जाता भाई। अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है स्लीपर में, स्लीपर बोले तो चप्पल, हम तो गढ़ वाली लोग हैं, हम तो चप्पल ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेघा दी, स्लीपर बोलेंगे कि चप्पल बोलेंगे? हम बोलेंगे खुटे पे जो पैरते हैं वो पैर। और मेघा दी तुझे आज फायदा पता चला जीजू के आर्मी में होने का, इतना सस्ता सामान मिला आज, नहीं पता तेरे को आज इसको ना भाई इतना सस्ता सामान मिला है ना, और बोल रही यार मज़ा आ गया मज़ा आ गया। तो गाइस
अबे यार एक मिनट पहले इस गाड़ी को पार करने को। भाई मेरी स्कूटी की बहुत खतरनाक बात है, जो उसकी फ्यूल वाली डंडी है ना हमेशा धप धप करती है भाई। मतलब हम इस पर अभी पेट्रोल भराते नहीं है फुल, ठीक क्यों नहीं भराते हम स्कूटी पे फुल पेट्रोल? तू स्कूटी चलाता रहता है इसलिए। तो गाइज ये हमारा आटा का कट्टा जिसको हम भूल गए थे, बट भैया ने खुद ही बोल दिया था कि तुम्हारा आटे का कट्टा रह गया था। तो यार दुनिया में इंसानियत नाम की चीज़ बची है, तो आप भी किसी पे ट्रस्ट वैसे मत किया करो, बट जो लोग ट्रस्ट करने के लायक होते हैं उन पर ट्रस्ट कर लिया करो। 130 × 5 कर दो, 130 13×5 65 650 हो गया ना डन, अब तो नहीं है कुछ काम। तो अब जाएंगे हम सीधा राजमा चावल खाने। भाई बच गया, मर गया तो भाई साहब तुझे पता है उनके मालिक आते हैं फिर हमसे पैसे मांगने है। भाई अगर वो मुर्गी हमारे गाड़ी के नीचे आके मर जाते ना भाई, तो आज हम चिकन बनाते गाइस। चिकन बाद में बनाते, पहले हमारा चिकन बनना था। गाइस मैंने अपने थाली ऑर्डर की और मेगा दी प्लस छोटे चावल। तो यार हमने लंच कर लिया और इतना मस्त हो रहा था ना भाई, अब सीधा सोने का मन कर रहा है। दी कैसा था खाना यहाँ का? बढ़िया था ना? 90 रुपए का। हंस क्यों रही है? जीजू कमाते बहुत है भाई, कोई बात नहीं। तो गाइज मैं आ गया हूँ घर पे और भाई अब जाके चाय मिल रहा। मैं निकला था सुबह शायद 10 के लगभग और टाइम देखो अभी 3:30 बजने वाला है। भाई अब तो सीधा जा रहा हूँ सोने को और बाद में देखता है घूमने का प्लान होगा शाम को तो चले जाएंगे, नहीं तो यार देखते क्या करते हैं। गुड इवनिंग गाइस। तो यार अभी सो के उठाऊँ मैं, इतनी मस्त नींद आई ना भाई, काफ़ी थकान लगी थी। और कल ना डिम्पल का बर्थडे है तो मैंने एक पैंट ली थी, तो इसकी फिटिंग कराने जा रहा हूँ मैं धर्मपुर पे और हिमांशु भी आ रहा है नीचे, तो हिमांशु से भी मिलवाते हैं आपको। क्या हाल है आपके? बढ़िया। सुना अभी हम धर्मपुर पे जा रहे, ठीक है? किस पे जाए वाले पे मर्जी है तेरी। कौन करते वैसे पैंट की फिटिंग अच्छी? मैं तो बोले से कराता था पर मैं बोले से नहीं करवाऊँगा, 70 रुपये देता है यार वो कसम से। और भैया 900 रुपये पड़ जाती है पैंट। तो गाइस हमने अंकल की शॉप पे पैंट फिटिंग करने के लिए दे दिया और अंकल ने बोला 1 घंटे बाद यहाँ पे आ जाना, तो वेट करेंगे। एक तक क्या करें, घूम के आ जाएं? तो गाइस अभी हिमांशु और मेरे दिमाग में एक प्लान आया, कल है डिम्पल का बर्थडे है और उसको गिफ्ट देना ही था हमने, तो मैं सोच रहा हूँ उसको एक कप दे देते हैं जिस पर उसकी फ़ोटोज़ लगी हो। बट यार ये शॉप बंद थी, यहाँ से लेना था मैं। क्या करें भाई, अब कल आइए आराम से, कल नहीं अभी लेना भाई। गाइस पूरा धर्मपुर घूमने के बाद अभी मिली है एक शॉप जो कि ये वाली है और ये है सरस्वती विहार में। पूरा धर्मपुर मार्केट छोड़ के हम पूरा मेन मार्केट छोड़ के और लास्ट में ये गली यहाँ पे गली मोहल्ले में आया हम। और यहाँ पे मेरे को याद है यहाँ पे ना हमारा पहला एक्सीडेंट हुआ था जब हम 4 बैठे हुए थे स्कूटी पुलिस पड़ी थी हमारे पीछे। मानसू तेरे पे केस भी हुआ था ना? केस हुआ था, मेरे हाफ मर्डर का हुआ था। गाइस हमने डिम्पल के लिए गिफ्ट पैक करवा दिया है और ये मिलेगा मैं कम से कम कल 11 के लगभग बोला ना उन्होंने, तो वो हम अभी रिवील नहीं करवाएंगे, वो डिंपल कल खोलेगी ना कि उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि हमने डिंपल के लिए क्या पैक करवाया था। जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू श्रृंगार में वो पैंट तेरे पैंट लेने मैं चल जाऊंगा फिर। चल जाएगा, चल ठीक है, चल जाएगा ठीक है। ओके भाई ध्यान से जाइयो। तो यार अंकल ने पैंट फिट कर दी है और काफ़ी सही लग रही है यार, जो कि मेरा कल का आउटफिट होने वाला है वो आप कल देख लेना कि मैं क्या पहनता हूँ। फिलहाल मेगा दी बुला रही खाना खाते हैं और खाने में आज भिंडी की सब्जी और इसने भाई खुद के लिए बनाया ये भाई, मेरे लिए नहीं बनाया। क्यों दीदी मेरे लिए क्यों नहीं बनाया तूने? भाई मेरे लिए बनाना, मेरे लिए बना जा प्लीज़ यार दीदी। यार हमने डिनर कर दिया और मेगा दी गई है सोने के लिए, मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। इस ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, पसंद आ रही है प्लीज़ यार लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। क्या तू है माई गणवे है धूरी है वैरी।